हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे। और ये रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी भी पूछे जाते हैं और भी कई आल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखेंगे पहले क्वेश्चन है क्या कह रहा है। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, तो देखेंगे कैसे आते हैं। कह रहा है 1 से 100 तक 1 से 100 तक के बीच में दहाई के स्थान पर 2 कहाँ कहाँ आते हैं, तो देखेंगे 1 से 11 तक में नहीं मिलेगा आपको, 1 से 11 तक में नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में 1 से 10 तक में पढ़ लेंगे, 1 से 10 तक में नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद में 11 से 20 तक, फिर 21 से 30 तक। अब यहाँ देखेंगे दहाई के स्थान पर हमको कहाँ कहाँ मिल रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे 20 से लेकर 29 तक में ही आपका दहाई के स्थान पर 2 दिख रहा है, तो हम जोड़ लेंगे कितना हो जाता है, टोटल पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इसका मतलब हमको कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आपका 10 ऐसी जगह है जहां पर दहाई के स्थान पर 2 आ रहा है, तो कुल कितने हो जाएंगे, टोटल 10 हो, दहाई के स्थान पर 10 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, सी सही होगा, 10 आएंगे स्थान पर कितनी बार आता है, तो 10 बार आता है 2। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखें क्या है। दो नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है वह छोटी से छोटी 6 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 18 का गुणज है। तो 18 का गुणज क्या करेंगे, हमको 18 से डिवाइड कर देंगे, 18 से डिवाइड करेंगे। तो देखें सबसे समझ में ये ध्यान देना बहुत इजी है, यहाँ 18 कह रहा है इसका मतलब 9 से वो डिवाइड होना चाहिए, 9 से भी डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड होने का मतलब है कि सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए, सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद में अगर 9 आ जा रहा है तो ठीक है, 18 का गुणज 6 अंक का लेना है। तो ये कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह है, ये भी 6 है, सभी 6 अंक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 अंकों की संख्या निकालना है, 6 से डिवाइड करें, 18 से डिवाइड करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0 है। ये भी क्या है, 18 से डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। अब इसमें देखते हैं, ये 6 से ये भी डिवाइड नहीं होगा, आपका सिर्फ ये डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं ये डिवाइड होता कि 1 0, इसको 18 से डिवाइड करेंगे, देखते हैं कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 18 5 90, यहां से हो जाएगा 10, 0 उतारेंगे, फिर 5 जाएगा, फिर 90 होगा, 5 बार जाएगा, फिर 10 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 5 बार जाएगा, फिर 90 हो जाएगा। अब ये लास्ट में 8 बचा हुआ है, ये हो जाएगा। अब ये 10 बचा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 10 के स्थान पे हमको 8 लाना है, क्या करेंगे, ये आपका उतर गया, ये उतर गया और ये बचा हुआ। इसका मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या रख दिया जाए, यहाँ पर कौन सी संख्या रखा जाए कि 18 से डिवाइड हो जाए, तो 8 अगर यहाँ रख देंगे, क्या है 8, क्या करेंगे, ये आपका यहाँ पर 8 अगर रख देंगे तो 18 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी है, सही हो जाएगा, 18 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका मतलब आपका वह छोटी सी छोटी संख्या होगी जो पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो ये संख्या ऑप्शन में दिया गया है, इसमें से 108 दिया गया है, ये 18 से डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष 3 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए।
तो क्या कहते हैं, पहले हम ये जान लीजिए क्या 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 होता है यहाँ पर। ये आपका हो जाएगा कितना, भाजक, यहां होता है भागफल, नीचे होता है शेषफल, और यहां होता है भाज्य। ये चीजें होता है। तो हमको क्या पूछ रहा है, भाजक पूछ रहा है। और कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर ये संख्या हमको निकालनी रहती है तो क्या करते हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल होता है। इस तरह ये फार्मूला होता है। अब क्या कह रहा है, ये आपका क्या दिया है, एक संख्या है जो ये मान यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या करेंगे, सीधे इसी में रख देते हैं। देखिए ये आपका मान दिया है 14528, ये दिया गया है, शेषफल 3 दिया है और भागफल दिया है 83, ये दिया गया है। हमको भाज्य निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमको क्या निकालना है, भाजक निकालना है। तो भाजक का फार्मूला क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। पहले लिख लें भाज्य को क्या मान लेते हैं, यक्ष मान लेते हैं, यक्ष, और ये भाजक आपका, सॉरी ये भाज्य है आपका कितना, 14528 दिया गया है। भाजक नहीं मालूम है, इसको यक्ष मान लेते हैं, गुणे भागफल दिया है 83 और प्लस 3 दिया गया है, शेष 3 दिया गया है, ये हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, 83x बराबर हो जाएगा 14528 में से 3 सब्ट्रैक्शन कर देंगे, 83x बराबर हो जाएगा 1452 और 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, x बराबर हो जाएगा 14525 में से 83 से डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड करने पर 175 आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। पूछ रहा है क्या है, संख्या बताना है, वह संख्या कितना, मतलब भाज्य, आपको भाजक बताना है किससे वो भाग देने पर कट जा रहा है। तो आपका 175 से अगर भाग देंगे तो आपका कट जाएगा। तो इस तरह से आपका ये संख्या हो गया, भाजक, भाजक पूछ रहा था तो भाजक हो जाएगा, ये भाजक मान जिससे भाग देना है, तो 175 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 47 से 44 लोगों में बराबर बराबर बांटने के लिए 14.9250 रुपए में कम से कम कितने रुपए और मिलाने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन में दिया गया है कितना मिलाना है, तो देखें कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ये दिया गया है 14.9250, 149,250 रुपए है, इसको बराबर बराबर बांटना है, और कितने लोगों में, हमको 47 से 44 लोगों में बांटना है। तो क्या करेंगे, पहले इसे भाग दे देंगे, इसको भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, देखते हैं, 4 × 3 = 12 और 4 × 3 = 12 = 13, 1 + 7 = 21, 1 + 21 = 22, 2 + 5 = 8 और 7 × 2 = 14, 4 × 3 = 12 = 14, इसको घटा लेंगे, 5 + 2 = 3 और 12 + 3 = 9 और 8 + 2 = 6 और ये इधर कट जाएगा, 0 उतारेंगे, 1 बार जाएगा, 4 × 7 = 4 और 4 ये हो जाएगा, इसको घटा देंगे, 10 + 4 = 6 और 12 + 4 = 8 और उधार ले 8, ये हो जाएगा 8, 8 + 7 = 1 और ये 2, 2186 लोग बचे, रुपया बचा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे 1 7 4 7
44 दिया गया है, इसको घटाएंगे 21, 86 इसको घटाने के बाद में यह घटा दीजिए 14 में से 6 गए 8 और यहाँ पर क्या बचा 13, 8 5 13 और यहाँ कितना बचेगा 6 5, इसको ले लिया तो यहाँ 6 6 में से 5 और यहाँ पर 2। इसका मतलब ये कह रहा है कितना और जोड़ेंगे ये तो पूरी पूरी आपको विभाजित हो जाए, मतलब एक हिस्सा एक सभी को बराबर बराबर हिस्सा मिले। इसका मतलब 2558 लोगों 2558 जो बचे हुए हैं तो रुपया और इसमें अगर मिला दिया जाए इस संख्या में, इसमें 14 9 2 5 0 इसमें क्या करेंगे इसको अगर इसमें अगर मिला दिया जाए तो ये बराबर बराबर भागों में 47 44 में डिवाइड हो जाएंगे अलग अलग, मतलब ये हो जाएगा कि बराबर बराबर हिस्से में वो बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, बी सही है। क्या करना है, ये जो संख्या दिया गया है ये लोग दिए गए हैं इन लोगों से डिवाइड करिए, जो शेष बचता है उसमें से इसको घटा दीजिए, घटाने के बाद जो मान आएगा उसको इसके साथ में जोड़ना है, जोड़ देंगे तो वो बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या आपको इसके साथ में जोड़ेंगे, अगर जोड़ देते हैं तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, इसका मतलब वो हिस्सा आपका निकल आएगा, सभी बराबर बराबर हिस्से में बढ़ जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर करते हैं। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में अंकों की एक संख्या के, हाँ तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो दोनों अंकों में से छोटा अंक कौन सा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखें कह रहे दो अंकों की एक संख्या है और अंकों का योग पहले क्या दिया है एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा है 14, और हम संख्या ले लेंगे संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर 10x प्लस वाई, ये आपका संख्या है और ये आपका दिया गया है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है यदि उसमें 36 जोड़ दिया जाए, क्या करेंगे इस संख्या में 10x प्लस वाई में 36 जोड़ दिया जाए तो आपस में संख्या बदल जाती है, अंकों का स्थान बदल जाता है, क्या ये जो आपका मान है ये बदल जाता है, तो ये 10y प्लस x हो जा रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, इधर लाएंगे 10x प्लस y माइनस 10y माइनस x बराबर 36, ये इधर लाएंगे। अब इसमें घटा देंगे, देखिए घटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 9x और माइनस 9y बराबर हो जाएगा माइनस 36, इसको काटेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 36, 9 4 36 चार आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हाँ ये हो गया, अब इसको क्या करेंगे, ये आपका समीकरण एक ये हो गया और एक ये हो गया 9 4 36, तो अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेंगे x प्लस वाई बराबर 14 और ये x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 4। अब इसको काटेंगे कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा, ये प्लस माइनस में है y कट जाएगा, इन दोनों में से घटाएंगे 10 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5। अब y की वैल्यू यहां रख देंगे, y की वैल्यू यहां रखेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस y बराबर माइनस 4 में रख देंगे y 5 हो जाएगा माइनस y बराबर माइनस 4, y बराबर हो जाएगा इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5 4 9 माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 9। तो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तो एक संख्या आपका कितना आ जाएगा 5 और दूसरी संख्या आ रही है कितना 9, तो ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या आपका हो जाएगा यस। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।